व्यान दृष्टि से उद्गीत उपासना अब दूसरे प्रकार से अध्यात्म उपासना कही जाती है। व्यान दृष्टि से ही उद्गीत की उपासना करें। पुरुष जो प्राणन करता है मुख या नासिका द्वारा वायु को बाहर निकालता है वे प्राण है, और जो अब श्वास लेता है वायु को भीतर की ओर खींचता है वे अपान है, तथा प्राण और अपान की जो संधि है वही व्यान है, जो व्यान है वही वाक है। इसी से पुरुष प्राण और अपान क्रिया न करते हुए ही वाणी बोलता है। अब उद्गीत की उपासना कही जाती है। प्राण का है वृत्ति विशेष जो आगे कहे जाने वाले लक्षणों से युक्त व्यान है, उसके रूप में उद्गीत की उपासना करें। अब उसके तत्व का निरूपण किया जाता है। पुरुष जो प्राणन करता है अर्थात मुख और नासिका द्वारा वायु को बाहर निकालता है वह वायु का प्राण नामक वृत्ति विशेष है, तथा वह जो अपश्वास करता है अर्थात उन मुख और नासिका के ही द्वारा वायु को भीतर खींचता है उसे अपान कहते हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ ये बतलाया जाता है। उन उपरित लक्षण वाले प्राण और पान की जो संधि है उसके बीच का जो वृत्ति विशेष है वह व्यान है। श्रुति द्वारा विशेष रूप से निरूपण किए जाने के कारण यहाँ यह व्यान अभिप्रेत नहीं है। जो सांख्य आदि शास्त्र में प्रसिद्ध सर्वदेह व्यापी व्यान है ऐसा इसका तात्पर्य है, किंतु प्राण और अपान को छोड़कर अत्यंत परिश्रम से व्यान की ही उपासना का निरूपण क्यों किया गया ऐसा प्रश्न होने पर कहती है, क्योंकि ये वीरवान कर्म की निष्पत्ति का कारण है। ये वीरवान कर्म की सिद्धि का कारण कैसे है इस पर कहती है, जो व्यान है वही वाणी है, क्योंकि वाणी व्यान का ही कार्य है, वाणी व्यान से निष्पन्न होने वाली है। इसलिए लोग प्राण और अपानन अर्थात प्राण और अपान की क्रियाएं ना करता हुआ वाणी का अव्यहरण उच्चारण करता है।